हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर फंडामेंटल सब्जेक्ट टॉपिक इज हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर टीम। जो हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो उनमें ये कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं: हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड कंटिन्यू केयर। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जाता है कि जिससे कि हेल्थ का प्रमोशन हो सके, डिजीज़, मतलब उसको कोई डिजीज़ ना हो, उसके लिए बच सके। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, जैसे प्रीनेटल क्लासेस, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, एक्सरसाइज क्लासेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्मोकिंग सीजेशन क्लासेस। ठीक है, तो इन इन सब की वजह से क्या होता है कि जैसे प्रीनेटल क्लासेस हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रीनेटल पीरियड होता है उसके अंदर जो क्लासेस लगती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कैसे हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि हेल्थी डाइट्स, ठीक है, तो और कैसे जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ को करना है, ठीक है, तो ये सब उसके बारे में बताया जाता है। और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, ठीक है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हम इन पेशेंट को देके उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक्सरसाइज क्लासेस देके हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना, ठीक है, स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी इलनेस के लिए, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कैसे मैनेजमेंट किया जाए। और स्मोकिंग सीजेशन क्लासेस, ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब के कैसे बंद किया जाए, ठीक है, तो इन सब के लिए भी उसको क्लासेस, उस टीचिंग देकर के इंडिविजुअल को उसकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। सेकेंड है हेल्थ प्रिवेंशन। हेल्थ की प्रिवेंशन कैसे की जाए, ठीक है, हेल्थ को कैसे, मतलब किसी डिजीज से कैसे प्रिवेंट किया जाए, जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एग्जांपल हाइपरटेंशन, जैसे कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, मतलब किसी डिजीज़ के अकर होने से पहले अगर पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट करने में इजी रहता है, ठीक है, तो और इम्प्रूव प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं हम डिजीज़ के लिए। तो जैसे कि हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन का अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट करने में बेनिफिट होता है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। या फिर और कोई अदर जो बहुत सी डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होता है, ठीक है, और भी कई डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं कुछ, तो उनका हम पहले पता लगा सकते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए। और रूटीन चेकअप्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, रूटीन चेकअप और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हेल्थ प्रिवेंशन किया जा सकता है। और इम्यूनाइजेशन, किसी भी जो ये डिजीज़ है, कोई डिजीज़ है, उनके प्रति पहले से अगर इम्यूनाइज कर दिया जाए तो उससे भी हेल्थ प्रिवेंशन हो सकती है, डिजीज़ से प्रिवेंशन हो सकती है। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी हैजार्ड्स, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ को इम्प्रूव करके और सेफ्टी हैजार्ड्स है, कोई भी जो सेफ्टी मटेरियल्स का यूज़ करके ऑक्यूपेशन में हेल्थ को प्रिवेंशन किया जा सकता है। और पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक को एजुकेट करके कि भाई वो कैसे अपनी हेल्थ को प्रिवेंट करे, ठीक है। थर्ड है डायग्नोसिस, तो किसी डिजीज़ का पता लगाने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है, जैसे रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि MRI, CT स्कैन, ठीक है, एक्सरे, ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है, और ब्लड टेस्ट के द्वारा भी डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। फोर्थ है ट्रीटमेंट, क्लाइंट एजुकेशन, ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन,
लेजर थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, ठीक है। तो डिजीज के लिए क्या 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 ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं उसकी डिजीज कंडीशन के लिए, ठीक है, और सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ वैसे अगर ड्रग से क्योर नहीं हो रही है तो उसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाए, या फिर लेज़र थेरेपी यूज की जाए, या फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ड्रग्स का यूज़ करके डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिफ्थ है रिहैबिलिटेशन एंड कंटिन्यू केयर, ठीक है। तो जो ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो डिजीज़ वो कंडीशन रिहैबिलिटेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उनकी केयर कंटिन्यू होती है लाइफ लॉन्ग। तो ऐसी क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रोग्राम, तो इनके लिए कार्डियोवैस्कुलर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, पल्मोनरी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, या स्पोर्ट्स मेडिसिन होती हैं, और एल्कोहल या ड्रग डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे एल्कोहल या ड्रग डिपेंडेंट वाले क्लाइंट भी रिहैबिलिटेशन में इनका ट्रीटमेंट होता है, और स्ट्रोक एंड स्पाइन कॉर्ड इंजरी, ठीक है, तो इनकी भी केयर लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम का क्या मतलब है, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ टीम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कोऑर्डिनेट देयर पर्टिकुलर स्किल्स इन ऑर्डर टू असिस्ट ए पेशेंट और हिज फैमिली, ठीक है। मतलब हेल्थ केयर टीम एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटली वो काम करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेट होता है एक पर्टिकुलर स्किल्स के लिए, ठीक है, जो कि एक पेशेंट या फिर उसकी फैमिली के लिए काम करे, ठीक है। द पर्सन कॉमनली इंक्लूड इन हेल्थ टीम, मतलब हेल्थ केयर टीम में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट है फिजिशियन। फिजिशियन आर हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु प्रोवाइड ए रेंज ऑफ नॉन सर्जिकल हेल्थ केयर टू एडल्ट पेशेंट, मतलब फिजिशियन एक हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट होता है जो कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब फिजिशियन सर्जरी नहीं करता, ओनली मेडिसिन ट्रीटमेंट करता है पेशेंट को लिए, और वो भी अडल्ट पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट करता है। दे केयर फॉर डिफिकल्ट सीरियस एंड अनयूजुअल मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड कंटिन्यू टू सी द पेशेंट अनटिल दिस प्रॉब्लम हैव रिजॉल्व और स्टेबलाइज, ठीक है। तो वो जो डिफिकल्टी कुछ डिफ़िकल्टी या सीरियस या फिर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए वो केयर करता है, और कंटिन्यू ऐसे पेशेंट की केयर करता है जब तक कि वो प्रॉब्लम वो डिजीज़ ठीक ना हो जाए। सेकंड है नर्स। नर्स डेवलप ए प्लान ऑफ केयर वर्किंग कोलाबोरेटिव विद फिजिशियन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट्स फैमिली एंड अदर टीम दैट फोकस द ट्रीटिंग इलनेस टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो नर्स तो एक इम्पोर्टेंट रोल होता ही है हेल्थ केयर टीम का, ठीक है। तो नर्स एक प्लान ऑफ केयर का प्लान ऑफ केयर जो होती है वो बनाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ में जो अदर्स हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी काम करती हैं, जैसे फिजिशियन के साथ में, थेरापिस्ट या पेशेंट और पेशेंट फैमिली के साथ में भी उनको भी वो डील करती हैं, ठीक है। और जो अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, ठीक है, तो अदर हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ में काम करती है, ठीक है, और दैट फोकस ऑन ट्रीटिंग इलनेस टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है उस पे उसका फोकस रहता है, फुल फोकस रहता है नर्स का, जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब नर्स देखती है, नर्स का फोकस रहता है इन सब पे। थर्ड है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। डाइटिशियन और डाइटिशियन इज एन एक्सपर्ट इन डाइटिक्स दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड द रेगुलर ऑन डाइट, मतलब डाइटिशियन जो होता है वो
उसको जो भी ह्यूमंस की जो न्यूट्रिशन है उस पे जो मतलब उसके लिए डाइट प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी पेशेंट है हॉस्पिटल में उसको मतलब उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसकी क्या कंडीशन है, कैसी उसकी नीड है, क्या मेडिकल कंडीशन है, क्या सर्जिकल कंडीशन है, इन सब के अकॉर्डिंग उसको डाइट प्रोवाइड करता है डाइटिशियन, ठीक है। और ये भी एक ट्रेंड पर्सन होता है, ठीक है, एक लाइसेंस पर्सन, प्रोफेशनली लाइसेंस पर्सन होता है ये भी, ठीक है। थर्ड फोर्थ है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प थ्रू द फिजिकल रिहेबिलिटेशन, इंजरी प्रिवेंशन एंड हेल्थ एंड फिटनेस। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो फिजिकल रिहेबिलिटेशन में हेल्प करता है पेशेंट की, ठीक है। जैसे कि कोई इंजरी है उसको प्रिवेंट करने में, या फिर इंजरी हो गई है उसके बाद में उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है, उसके मतलब मोबिलिटी, उसके जो है बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कैसे मोबिलिटी करानी है, ठीक है, कैसे उसकी फिटनेस करानी है, तो ये सब फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि असेसिंग मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, और प्रोवाइडिंग थेरेप्यूटिक मेजर्स, ठीक है, पेशेंट को थेरेप्यूटिक मेजर्स प्रोवाइड करना और मोबिलिटी स्ट्रेंथ को देखना और टीचिंग पेशेंट न्यू स्किल एंड मेजर्स, ठीक है, पेशेंट को नई स्किल्स और मेजर्स के बारे में प्रोवाइड एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिफ्थ है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर प्रोवाइड एडवाइस सपोर्ट एंड रिसोर्स टू इंडिविजुअल एंड फैमिली, ठीक है। तो सोशल वर्कर्स होते हैं वो फैमिली को और मतलब जो इंडिविजुअल है पेशेंट है उसको उसकी फैमिली को एडवाइस सपोर्ट और रिसोर्सेस प्रदान करते हैं और उसकी और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सोशल वर्कर वर्क दे विद स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप्स के साथ में ये काम करते हैं, जैसे कि क्लाइंट्स के साथ में, ठीक है, या चिल्ड्रंस के साथ में, एल्डरली के साथ में, फैमिली के साथ में, ठीक है। मतलब ये सब जो ग्रुप होते हैं ये मतलब किसी रिस्क में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, तो उनकी हेल्प करना सोशल वर्कर का काम होता है। द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्रीट इंजर्ड, इल और डिस एबल पेशेंट थ्रू द थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज़। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो जो होते हैं इंजर्ड या इल या डिसेबल पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो उनकी जो एवरीडे एक्टिविटीज़ होती हैं पेशेंट की उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक है। सेवन्थ है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में जो ये लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आती हैं और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो लेबोरेटरी और रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आल्सो नोन एज केमिस्ट और ड्रगिस्ट, मतलब जो ये केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो होते हैं इनको फार्मासिस्ट बोला जाता है। और ये ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशन होते हैं जो कि मेडिसिन का यूज में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको मेडिसिन की पूरी नॉलेज होते हैं और एंड दे डील विद द कंपोजिशन इफेक्ट, मतलब जो मेडिसिन की जो कंपोजिशन है उसकी क्या इफेक्ट है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, और जो और उसके साथ साथ में मेडिसिन की प्रॉपर एंड इफ़ेक्टिव यूज़ क्या क्या है मेडिसिन का, ड्रग्स का, उन सब के बारे में इनको अच्छे से नॉलेज होती है, ठीक है। नाइन है इनहेल थेरेपिस्ट। प्राइमरी गोल ऑफ इनहेलेशन थेरेपिस्ट फॉर लोकल ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस पल्मोनरी सिम्टम्स, ठीक है, मतलब पल्मोनरी सिम्टम्स जिनमें होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये इनहेल थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्रू द एलिवेशन एंड और प्रिवेंशन ऑफ एयरवे इन्फ्लामेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब एयरवे का इन्फ्लामेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए
ये थेरेपिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर टीम हमने देखा, इसमें फिजिशियन, नर्स, सोशल वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट, ट्रेंड डाइज, विलेज हेल्थ गाइड, एक्जिलरी पर्सनल, ये सब काम करते हैं। ये ट्रेंड डाइज ये और ये विलेज हेल्थ गाइड एक्जिलरी पर्सनल ये विलेज लेवल पर काम करते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड डाइज मतलब जो विलेज लेवल पर जो होती हैं डिलीवरी परफॉर्म करवाने में जो ये हेल्प करती हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक जो दाइज होती हैं जो गाँव में आपने सुना होगा दाइज, तो उनको भी ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। और विलेज हेल्थ गाइडेड ये भी विलेज लेवल पर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं।